लेडी की इन्फेक्टेड लगे हैं कीड़े। हमारा छोटा वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से कुछ मैंगोट्स वाले कीड़े को रिमूव किया। और ये कुछ घिनौने टाइप के कीड़े थे जो कि रेतीले वाले चाकू ने रिमूव किया। और ये ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े हैं जो कि ये भी रिमूव हुए आसानी से। हेड वाले आंख वाले कीड़े भी निकल चुके हैं सेफ तरीके से। गोल्डन वाला चाकू हमारा ब्लैक वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है पूरी तरह। कंजा वाला चाकू हमारा ग्रीन वाले कलर वाले कीड़े को निकाला। कांटेदार वाले कीड़े भी रिमूव हुए। आ जाएगा मैंगोस को रिमूव करेगा। मैंगोट्स वाले कीड़े को हमारे सिल्वर वाले चाकू ने रिमूव कर दिया है। ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े भी निकल चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। बड़ा वाला चाकू हमारा छोटे छोटे होल वाले कीड़े को भी रिमूव कर दिया है। क्रोमा वाला चाकू हमारा छोटे छोटे कीड़े को रिमूव किया सेफ तरीके से। आ गया हमारा दवा और दवाई देखिए बहुत ही सेफ तरीके से लग चुकी है पूरे ही इसके दाढ़ी वाले हिस्से पे। आ जाएगा कॉटन वूल रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे बहुत ही सेफ तरीके से। टाइमर चलने के बाद आप लोग देख सकते हो बहुत ही सेफ तरीके से हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया है वो भी डीप क्लीन के साथ। इस पर लगे हैं कीड़े। हमारा रेतीला वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कीड़े को। हमारा हैंड वाला चाकू इसके हेड पे लगे हुए कीड़े को निकाला। फेस पे लगे हुए कीड़े के गवद वाले कीड़े को निकाल दिया एक ही बार में। छोटे छोटे होल वाले कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं। और देखिए छोटे छोटे मैंगोट्स भी रिमूव हुए। ये ब्लैक वाले वायरस भी रिमूव हो चुके हैं एक ही बार में। क्रोमा वाला चाकू हमारा बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव किया कीड़े को।
गोल्डन वाला चाकू हमारा ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को निकाल दिया। और ये दांत वाले कीड़े भी रिमूव हुए बहुत ही सेफ तरीके से। और ये फंगल वाले कीड़े थे जो कि निकल चुके हैं। और ये रेड वाले पाइथन वाले कीड़े थे जो कि हेड वाले चाकू ने रिमूव किया। मस्तिष्क वाले कीड़े इसके हेड पे लगे हुए थे, निकल चुके हैं आसानी से। और ये देखिए बड़े वाले कीड़े को हमारे छोटे से चाकू ने रिमूव किया। आगे हमारा क्रीम वाला दवा जो कि इसके पूरे ही फेस पे लग चुका है। आगे हमारा कॉटन वूल रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। तो देखिए टाइमर भी चलना चालू हो गया है। और देखिए टाइम आउट पे लगे हैं कीड़े। पूरे के पूरे चींटियों वाले घवत थे जो कि निकल चुके हैं। केचुए वाले पूरे कीड़े बहुत ही सेफ तरीके से निकले एक ही बार में। और देखिए आंख वाले बड़े बड़े कीड़े भी निकले एक ही बार में। और ये ग्रिनर टाइप का ट्राइफोफोबिया था जो कि रिमूव हो चुका है। ऊपर वाले भी होंठ पे लगे हैं पूरी तरह कीड़े। और देखिए बहुत ही घिनौने टाइप के कीड़े थे, निकल चुके हैं पूरी तरह। हमारा बड़ा वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है। हैंड वाला चाकू भी रिमूव किया कीड़े को। और ये भी ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े थे, रेतीले वाले चाकू नहीं रहता। और देखिए बड़े वाले दांत वाले कीड़े को निकाल दिया है। छोटे छोटे मैंगोट्स वाले कीड़े भी रिमूव हुए। और देखिए हमारा दवा भी लग रहा है और दवाई भी सेफ तरीके से लग चुकी है, बहुत ही औसम तरीके से। आ गया हमारा कॉटमूल रुई जो कि देखिए टाइमर भी चलने लगा है बहुत ही सेफ तरीके से। लगे हैं कीड़े।
पूरी तरह वायरस ने जकड़ लिया है इसके पूरे ही ईयर को। बड़े बड़े कीड़े को निकाला, ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े भी निकल चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। और देखिए बड़ा वाला चाकू हमारा छोटे छोटे चींटी वाले कीड़े को निकाला। सिकंजा वाला चाकू हमारा पतले वाले कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से निकाल दिया है। और देखिए ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े भी निकल चुके हैं औसम तरीके से। क्रोमा वाला चाकू हमारा देखिए गोल गोल वाले कीड़े को भी निकाल दिया है। इसके कान पे लग गए हैं घिनौने भी कीड़े, उसको भी हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। छोटे छोटे कीड़े वाले बच्चे भी निकल चुके हैं। मस्तिष्क वाले कीड़े भी बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव हुए। रेड वाले घिनौने टाइप के कीड़े भी सेफ तरीके से कट चुके हैं। आगे हमारा दवाई इसके कान पे लगेगा और देखिए इसके कान पे दवाई लग चुकी है और आ जाएगा हमारा कोटमोलरुई, जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे। और टाइमर चलना हमारा चालू हो गया है। टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है हमारा। तो आप लोग हैं सिंह वाले कीड़े, हमारा सिकंजा वाला चाकू सींग वाले सारे कीड़े को निकाल चुका है। और देखिए मैंगोर्स भी रिमूव हो चुके हैं बहुत ही सेफ तरीके से। और हमारा चाकू बहुत ही औसम तरीके से रिमूव किया कीड़े को। और देखिए कटर वाले चाकू ने हमारे बहुत सारे केचुए को रिमूव किया है। और काटेदार वाले कीड़े भी निकल चुके हैं सेफ तरीके से। आगे हमारा हैंड वाला चाकू, और हमारा ब्लैक वाला कीड़ा भी निकल चुका है हैंड वाले चाकू से। आ गया चिमटी, जो कि ब्लैक वाले कीड़े को रिमूव करेगा धीरे धीरे एक एक करके। और देखिए इसको पकड़ा, जो कि होल में पड़े हुए हैं ये कीड़े। और ये भी कीड़ा, ये भी रिमूव हो चुका है बहुत ही सेफ तरीके से। और लास्ट वाला कीड़ा पकड़ा गया और ये भी सेफ तरीके से रिमूव हो चुका है। हमारा चिमटी का काम ख़त्म। आ गया गोल्डन वाला चाकू,
कि देखिए बड़े वाले होल वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है आसानी से। छोटे छोटे मैंगोट्स वाले कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं ऑसम तरीके से। और देखिए घिनौने वाले कीड़े भी निकल चुके हैं। आगे हमारा दूसरा चाकू पैर पे लगे हुए छोटे छोटे कीड़े को भी निकाल दिया है सेफ तरीके से। बड़ा वाला चाकू छोटे वाले कीड़े को रिमूव करके निकाल चुका है। आगे बड़ा चाकू जो कि देखिए घिनौने वाले टाइप के कीड़े को निकाल चुका है एक ही बार में। आ गया हमारा दवा जो कि देखिए हमारा दवाई बहुत ही सेफ तरीके से लग चुकी है पैरों के कीड़े वाले हिस्सों में। आ गया हमारा कॉटन वूल वही जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे बहुत ही सेफ तरीके से। हमारा टाइमर भी चलना चालू हो गया है। गाड़ी पे लगे हैं कीड़े और देखिए हमारा चिमटी रेड वाले के कीड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रिमूव कर रहा है, वो भी बहुत ही आसानी से। चिमटी पकड़ा, रेड वाले कीड़े रिमूव हुए आसानी से, और ये भी रेड वाला कीड़ा ये भी फेंका गया आसानी से। चिमटी का काम खत्म। आ गया हमारा दूसरा चाकू। और देखिए छोटे छोटे होल वाले कीड़े को भी आराम से काट दिया है। छोटे छोटे मैंगोट्स वाले कीड़े भी रिमूव हुए आसानी से। बड़ा वाला चाकू बड़े वाले वायरस को रिमूव कर चुका है। हेड वाला चाकू छोटे छोटे होल वाले कीड़े को भी रिमूव कर चुका है। गोल्डन वाला चाकू हमारा ट्राइफोफोबिया ब्लैक वाले को निकाला। बड़ा वाला चाकू छोटे छोटे आंख वाले कीड़े की घावत को निकाल दिया है। इसके पूरे ही दाढ़ी वाले हिस्सों को रिमूव करना है। पत्र वाला चाकू हमारा ट्राइफोफोबिया वाले कीड़े को निकाल चुका है। सिकंजा वाला चाकू हमारा मैंगोट्स वाले कीड़ों की निकाला एक ही बार में। फिंगर्स वाले कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा दवा और देखिए दवाई बहुत ही सेफ तरीके से लग चुकी है पूरी तरह। आगे कॉटन वूल रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे बहुत ही सेफ तरीके से। टाइमर भी चलना चालू हो गया है। मनीक्यू पे लगे हैं कीड़े। हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से चींटी वाले घावत वाले कीड़े को निकाला। हैंड वाला चाकू छोटे छोटे आइस वाले कीड़े को निकाल दिया है।
छोटा वाला चाकू हमारा दांत वाले कीड़े को रिमूव किया। और देखिए हमारा चाकू भी बेहद ही सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है कीड़े को। और देखिए घिनर टाइप के कीड़े भी निकल चुके हैं आसानी से। ब्लैक वाले खतरनाक कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं। रेड वाले होल वाले कीड़े भी रिमूव हुए कटर वाले चाकू से। हमारा छोटा वाला चाकू बहुत ही औसम तरीके से ट्रीटमेंट किया कुछ कीड़े को। इसके पूरे ही टोनिग्यू पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। मैंगोट्स के घवत भी रिमूव हुए आसानी से। छोटे छोटे होल वाले कीड़े भी रिमूव हो चुके हैं सेफ तरीके से। मैगोट्स वाले घावत पूरे के पूरे रिमूव हुए। गंजा वाला चाकू हमारा बड़े बड़े दांत वाले कीड़े को निकाल दिया। आ गया हमारा कॉटमोल्ड रुई जो कि हम लोग अब टाइमर चलाएंगे बहुत ही सेफ तरीके से। और देखिए टाइमर चल